तो की हाल चाल है फ्रांस वाले दोस्तों। भाई खुश हो। मुझे नहीं लगता है भाई रोनाल्डो और पोर्टुगल के यूरो से बाहर होने के बाद मैं इतना पुशअप तक घुमाऊंगा। भाई मुझे तो लगता है भाई पूरी पूरी फ्रांस की टीम को भाई संन्यास लेना चाहिए, अलविदा कह रहे हैं फुटबॉल को। भाई एम्बापे को, एम्बापे मेरे रियल मैरी में आने वाला, लेकिन नहीं भाई तू भी संन्यास ले, तू ले संन्यास, विलियम सलीबा ले संन्यास। जो कह रहा भाई विलियम सलीबा, देखो ऐसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड को सीधा प्ले, हम कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड कैन बाय मी फीफा भी। भाई फीफा में गेम में उसको खरीद सकते हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं खरीद सकते। तो उसकी न्यूज आ रही है भाई, इसको टहरा एम्बुलु कांते पाइक में ग्रन। भाई किससे देख के पैंसो बंदे पर डर लगता है, इसके खिलाफ स्कोर कौन करता है भाई, इसके करीब कौन जाता है गोल स्कोर करने के लिए। भाई टायर में ले जाइए, तुझे भी रिटायर में ले जाए, सबको रिटायर में लेना चाहिए। एक 16 साल का बच्चा, 16 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे, हम घर वालों को बहाने लाते थे, अम्मी पेट में दर्द है, अम्मी मेरी कांड में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, भाई हर जगह दर्द है। ये कह दो भाई हम छुट्टी लेते थे ताकि आज भाई हम स्कूल से छुट्टी करें, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहे हैं भाई, वो फ्रांस के भाई 35 35 30 30 वर्ल्ड कप विनर टीम, सोच सकते भाई मुंह से बंदे को कह रहा वर्ल्ड कप विनर टीम की उसने गांड मारी है, जो भी उसने ली है भाई। आई डोंट थिंक सो भाई, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने 16 साल के, मैंने 20 साल के प्लेयर से भी कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी भाई। लेकिन भाई प्लीज़ प्लीज़ स्पेन और बार्सिलोना फैन से मेरी विनती है कि भाई ऐसा कभी ना करना कि भाई अंसु फाती वाली गलती ना करना कि भाई लामिन यामाल पे प्रेशर डाल देना और ये कहना कि भाई ये हमारा नेक्स्ट मैसी, ये हमारा नेक्स्ट मैसी। भाई फिर लोड़े लगे जाएंगे जैसे पहले अंसु फाटी के लगा, कोई पता है किधर है ब्रेटन में खेला, कोई पता है किधर है लामिन यामाल, अंसु फाटी को पता है किधर है, कोई भाई किसी को नहीं पता कि भाई कहाँ गया, मर गया, जिंदा भी है, भाई किधर है। लेकिन मुझे तो पता है ब्राइटन का, ब्राइटन पे खेला, लेकिन आपको पता है ब्राइटन पे वो खेल रहा नहीं, इसीलिए मैं ये कह रहा भाई लगे कभी पास रहना फैन, ये एक एडिट भी ना बनाना, एक बात भी ना करना कि भाई ये हमारा नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट मैच, प्लीज ऐसी बात। लामिन यामाल के अलावा भाई ये दूसरा प्लेयर है ना, लामिन यामाल तो भाई सब गेम में अच्छा खेला, लेकिन इस गेम में तो पार दिया भाई। लेकिन एक स्पिन का ऐसा प्लेयर मुझे पता भाई, आपको नाम पता ही लगेगा भाई, पहले भी शायद जिदान वाली मास्टर क्लास ड्रॉप किया भाई जर्मनी के खिलाफ, भाई टैनी इसको मिलना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये सब मिलेगा मिलेगा चाहे आ रही है ये भाई कौन से मैं डिबेट कर उसे यहाँ पे लिखवा लगे भाई। इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने डैनी ऑल्मो का नाम सुना होगा, चीज़ बढ़िया मस्त मस्त भाई, बस मैं यही चाहता था। ले भाई पोर्टुगल के आउट होने के बाद मैंने ये सोचा था भाई ये पूरा पूरा स्पेड तो करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन भाई पोर्टुगल के आउट होने के बाद मैंने पूरा पूरा ये सोचा था भाई अब तो स्पेन को सपोर्ट करेंगे, और भाई क्या ही स्पेन की टीम है। और हाँ ये भी याद रखो कि भाई इस मैच में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर डैनी कार्वेल गेम में नहीं था, लेकिन यस फाइनल में वो भी रिटर्न करे था। और लेकिन मुझे नहीं लगता भाई चाहे इंग्लैंड हो चाहे नैदरलैंड हो, इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी भाई स्पेन, उसके बाद है जर्मनी, जर्मनी तो होगी नो कप। अब भाई रहा कि स्पेन, आई डोंट थिंक सो भाई, चाहे इंग्लैंड के पास जितनी भी इंडिविजुअल क्वालिटी है ना, जो भी है भाई सेमीफाइनल और फाइनल में आकर वो हकते हैं, देखते हैं नैदरलैंड के खिलाफ हकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता भाई नैदरलैंड उनसे जीत पाएगी भाई। जो सीधी बात है भाई सबको दिखता है वो इंडिविजुअल क्वालिटी जो है ना भाई इंग्लैंड की हर बार ले जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मैं फाइनल में पहुंच गया ना, अगर नैदरलैंड ने अपसेट ना किया और फाइनल में पहुंच गया तो मुझे नहीं लगता कि भाई स्पेन से वो जीत पाएंगे। तो यस भाई यही थी आज की हमारी रिव्यू ऑफ पोर्टुगल, फिर भाई बात तो यही थी भाई आज की हमारी रिव्यू ऑफ स्पेन वर्सेज फ्रांस। भाई क्या ही 16 साल के बंदे ने फाड़ा, फिर कह रहा हूँ भाई सारी फ्रांस की टीम रिटायर हो जो भाई पता है कहाँ भाई कई सुनसान जंगलों में चले जाए भाई वापस ना आ रहा भाई। यस यही थे, पीस आउट, गुड बाय।